नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। और देखिए, तीसरी लहर से टेंशन बढ़ रही है देश में और पीएम आज इस पर एक बड़ा ऑक्सीजन मंथन कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम लोग लापरवाह हो गए हैं? पिछले दिनों जो तस्वीरें आई हैं देश के अलग अलग पर्यटक स्थलों से, वो कहीं ना कहीं चिंता बढ़ा रही है। और इसके अलावा देश के 8 राज्य, जिसमें ज्यादातर पूर्वोत्तर के राज्य हैं, वहां बढ़ती हुई कोरोना संक्रमण की रफ्तार एक बार फिर से चिंता में डाल रही है। केंद्र सरकार इस पर अलर्ट हो गई है, पीएम मोदी खुद इस पर एक्टिव हैं। आइए जल्दी से इसे जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली में पीएम मोदी की एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है, ऑक्सीजन की उपलब्धता पर टॉप अफसरों के साथ मंथन हो रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था पर भी चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। आपको मालूम है कि दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी ने कितना ज्यादा कहर ढाया था, जिसके बाद खुद प्रधानमंत्री ने इस पूरे मामले की कमान संभाली थी। और उसके बाद देश के अलग अलग जिलों में, देश के कई सारे जिलों में ऑक्सीजन प्लांट बनाने के लिए फंड जारी किया गया, ऑक्सीजन पहुंचाई गई। और अब ऑक्सीजन की इसी उपलब्धता को लेकर प्रधानमंत्री खुद देश के टॉप अधिकारियों के साथ एक मीटिंग कर रहे हैं। अमोद राय और कुमार कुंदन हमारे दो संवाददाता इस मीटिंग पर नजर बनाए हुए हैं। पहले अमोद राय, आपके पास आऊंगा, बताइए इस मीटिंग के बारे में क्या जानकारी है, कौन कौन से विभाग के अधिकारी शामिल हैं और क्या हो रहा है इस मीटिंग में? देखिए गौरव, इस मीटिंग का अनुमान आप इससे लगा सकते हैं कितना गंभीर बैठक है, क्योंकि प्रधानमंत्री की 6ठी या 7वीं यह बैठक है ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर। और जिस तरह से अप्रैल मई में ऑक्सीजन का संकट उत्पन्न हुआ था, उसके बाद जिस तरह से उन्होंने कमान अपने हाथ में लिया था, उसी कड़ी में ये एक बैठक है। लेकिन हाँ, उनको इस बात का कहीं ना कहीं जरूर आभास है कि आगे कभी इस तरह की दिक्कत हो नहीं हो, इसकी तैयारी अभी से कर लेनी चाहिए। पूरे देश भर में तकरीबन 1050 यानी 1000 से ज़्यादा ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने की बात पहले से कही गई है, और सारे जिलों में ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए वहाँ पर एक संयंत्र लगाया जाए, ये पहले से कहा जा चुका है। और कल जिस तरह से केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है, 23,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का एक पैकेज दिया है कि किसी तरह के हॉस्पिटल के उपकरण की कमी ना हो, ऑक्सीजन की कमी ना हो, उससे इसको और बूस्ट मिलता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में फिर बदल के बाद 23,000 करोड़ के पैकेज की बात कर रहे हैं, उसका एक एक डिटेल बताएंगे अपने व्यूअर्स को, बताएंगे कि किस मद में कितना पैसा दिया गया है और उस पैसे से क्या किया जाएगा। लेकिन कुमार कुंदन के पास चलते हैं। कुमार, दूसरी लहर में आप ही थे जो ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे थे, और मैं था जो स्टूडियो से आपसे लगातार जानकारी लेकर दर्शकों तक पहुंचा रहा था, और वो मंजर हम सब ने देखा था। पीएम मोदी का इस तरह से ऑक्सीजन पर एक्टिव होना, क्या ये माने कि तीसरी लहर की तैयारी प्रधानमंत्री या कहें मोदी सरकार करने में जुट गई है और दूसरी लहर से हमने सबक लिया है? निश्चित रूप से गौरव, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहली लहर एक ऐसी लहर थी जिस वक्त हमने दूसरे देशों को ऑक्सीजन दिया, क्योंकि उस वक्त हमारे देश में पर्याप्त ऑक्सीजन थी। लेकिन दूसरी लहर आते आते स्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई। जो ऑक्सीजन हम दूसरे देशों को बांट रहे थे, हमें ऑक्सीजन दूसरे देशों से मंगवाने की नौबत आ गई, और स्थिति इतनी बुरी हुई कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से देश की राजधानी दिल्ली में कई सारी मौतें हुई, और उसके लिए कौन जिम्मेदार है अभी तक तय नहीं हो पाया है। अब ऐसे में आने वाले दिनों में जिस थर्ड वेव की बात हो रही है और बताया ये जा रहा है कि सेप्टेम्बर अक्टूबर में आ सकता है, तो उसमें एक शर्तिया इलाज के तौर पर अगर कुछ देखा जा रहा है तो वो है ऑक्सीजन। बताया ये जाता है कि कोरोना के इलाज में सबसे कारगर ऑक्सीजन है। ऐसे में यदि बड़ी संख्या में फिर से लोग संक्रमित होते हैं तो ऑक्सीजन की कहीं कोई कमी न हो, इसके लिए अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने से लेकर दूसरी लहर से हमने जो सीखा है उस पर काम शुरू हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि सरकार के सीखने से नहीं होगा, हमने आम लोगों ने क्या सीखा है? जिस तरह से भीड़ जुट रही है पर्यटन स्थलों पर, क्या हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? बिग वॉल पर चलते हैं और बिग वॉल के जरिए आपको जल्दी से बताते हैं कि दूसरी लहर में कैसे ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार मचा हुआ था और कैसे हम सब ये मना रहे थे कि देश में कोरोना की दूसरी लहर जाए। लेकिन दूसरी लहर पर में ऑक्सीजन की किल्लत पर जो हाहाकार मचा, क्या अब उसको देखते हुए सरकार तीसरी लहर से निपटने में जुट गई है? क्या ऑक्सीजन की तैयारी और ऑक्सीजन पर इस तरह का मंथन इसी का सबूत है? लगता तो कुछ ऐसा ही है। दूसरी लहर में ऑक्सीजन की किल्लत पर जो हाहाकार मचा था, उसने हम सबको हिलाकर रख दिया था। ऑक्सीजन की कमी मरीजों की मौत की बड़ी वजह बनी थी और इस वजह से ऑक्सीजन इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा बन गया था। केंद्र के साथ राज्यों की तकरार सामने आई, दिल्ली के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार के बीच हमने तकरार बहुत लंबी देखी। ऑक्सीजन
ऑक्सीजन की कमी को लेकर केंद्र की आलोचना की गई और यहां तक कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सितंबर अक्टूबर में तीसरी लहर आने की आशंका है, लेकिन केसेस जो जिस तरह से 6 जुलाई के बाद बैक हुए हैं, क्या पता पहले आ जाएं। और हम सब क्या तैयार हैं उसके लिए, सरकार तैयार है क्या उसके लिए, इसीलिए ऑक्सीजन और मेडिकल सुविधाओं पर केंद्र अलर्ट है और लगातार इस पर नजर बनाई गई है, लगातार इस पर बात की जा रही है। आइए आपको और दिखाते हैं कि ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या किया गया। हमने देखा विदेश से ऑक्सीजन कंटेनर की सप्लाई की गई, विदेशों से वायुसेना देश भर में ऑक्सीजन पहुंचा रही है और उस वक्त तो बहुत ज्यादा बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर कैरियर विमान लगा दिए गए ताकि देश भर में विदेशों से ऑक्सीजन लाकर देश भर में पहुंचाया जा सके। ऑक्सीजन एक्सप्रेस से देश भर में ऑक्सीजन की सप्लाई की गई ताकि ऑक्सीजन जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचे। ऑक्सीजन टैंकर्स के लिए ग्रीन कॉरिडोर तक बनाया गया ताकि उनको पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो। 551 नए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की मंजूरी दी गई ताकि देश भर में ऑक्सीजन के लिए प्लांट लगाया जा सके। लेकिन कुमार, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, ठीक है, सरकार तैयार है, सरकार तैयारी कर रही है, सरकार में मंथन है। वो 23,000 करोड़ का पैकेज जिसके बारे में अमोद जी बता रहे थे वो भी जारी किया गया है, लेकिन 6 जुलाई 34,000 केस देश में आए थे और उसके बाद से आज अगर देखें तो केस 40,000 के ऊपर बने हुए हैं। क्या हमारी और आम लोगों की जिम्मेदारी नहीं है क्या? क्या सारी जिम्मेदारी सरकार की है? सरकार बेड भी दे, सरकार ऑक्सीजन भी दे, सरकार व्यवस्था भी करे, लेकिन हम लोग मजे लें, बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के घूमें। गौरव, दो बातें बहुत तय है। एक चीज तो समझ लीजिए कि सेकेंड वेव में भी एक जो बहुत सही बात थी वो ये थी कि सरकार देश में हर व्यक्ति के लिए अस्पताल का निर्माण नहीं कर सकती है, हर व्यक्ति को बेड नहीं दिलवा सकती है। हमारी आपकी भी एक जिम्मेवारी है। आपने देखा सब कुछ ओपन होने के बाद मनाली, शिमला और दूसरी जगहों पर किस तरह की स्थिति आई और लोगों ने यहाँ तक ट्वीट करना शुरू किया कि अभी होटलों में कमरे ढूंढ रहे हैं, यही स्थिति हुई तो आगे दिनों में अस्पतालों में आपके कमरे ढूंढने पड़ेंगे। हम आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, मैं आम लोगों की बात कर रहा हूं। सरकार ने ओपन किया इकोनॉमी की वजह से, सरकार ने ये कहा कि कम से कम धीरे धीरे चीजें खुलनी शुरू होनी चाहिए, लेकिन खुलने के बाद की जो स्थिति है, जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो मास्क है, जो हम कर सकते हैं और ये बहुत बेसिक है, जो वैक्सीनेशन है, इन सभी चीजों से हम क्यों परहेज कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। इसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चिंता जताई है। कुमार, मैं आपके पास आता हूं। ये देखिए बड़ी खबर, कोरोना को लेकर बढ़ती जा रही लापरवाही से प्रधानमंत्री मोदी भी चिंतित हैं। लोग मास्क को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, ये डरावना है। देखिए कितने गंभीर शब्दों का इस्तेमाल करते हुए पीएम मोदी, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, ये कहा पीएम मोदी ने। और अब लापरवाही की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, कोरोना अभी गया नहीं है, कोई लापरवाही ना हो, ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अमोद राय जी के पास चलते हैं। अमोद जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इतने गंभीर हैं और जब इतने गंभीर शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उन्होंने क्या अपनी कैबिनेट में कहा, क्या मंत्रिमंडल में कहा और इसका क्या मतलब समझे हम? देखिए, कल मंत्रिपरिषद की बैठक में खुले तौर पर और साफ साफ प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं वो काफ़ी डरावनी हैं और लोगों को एहतियात बरतना चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि हमारी मंशा ये नहीं होनी चाहिए कि लोग डरें, लेकिन ये ज़रूर है कि लोग एहतियात बरतें और अपनी जिम्मेवारियों को समझें। ज़रूरत नहीं है तो बिना वजह घर से बाहर ना निकलें। और उनका साफ तौर पर कहना था कि लोगों को अब भी समय है, तो अपने आप को अगर ज़रूरत नहीं है तो बिना मतलब बाहर निकलने का कोई जरूर मतलब नहीं है। और उन्होंने कहा कि इसको लेकर आप लोग सब कैंपेन भी चलाइए और लोगों को समझाने की भी कोशिश अपने अपने मंत्रालयों के जरिए करना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं जो कोरोना को लेकर देश में जब से अनलॉक हुआ है और लोगों में जो एक तरह से लापरवाही देखने को मिल रही है, तमाम हिल स्टेशन पर या आसरियाम और बाज़ार में कहीं चले जाएँ तो जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, निश्चित तौर पर ये चिंताजनक है। और प्रधानमंत्री इस बात को बखूबी जानते हैं कि जब संकट आएगा बिल्कुल तो जी, और ये लोगों को समझना चाहिए। देखिए, हम लोगों का अधिकार है कि हम सरकार से सवाल पूछें कि हमें सुविधाएं क्यों नहीं दी जा रही, हमें ऑक्सीजन क्यों नहीं दिया जा रहा। लेकिन फिर सरकार के पास भी ये मौका होता है कि वो हमसे पूछ सकें कि हम जब आपसे कह रहे थे मास्क पहनो तब आपने मास्क क्यों नहीं पहना, जब हम आपसे कह रहे थे कि बिना मतलब घर से बाहर मत निकलो तब तो आप मनाली और शिमला में छुट्टियां मना रहे थे, आप तो बेड ढूंढ रहे थे, हॉस्पिटल का बेड आप भूल गए जब नहीं मिल रहा था लोगों को, और अब आप होटल में बेड ढूंढ रहे हैं। तो देखिए, ये तो है जहां आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया अमोद जी आपका, बहुत शुक्रिया कुंदन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।